स्कूल का पहला दिन। ये कहानी है सूरज की, जो अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहता था और उसे नए स्कूल में जाना था। वो नाश्ता कर ही रहा था कि तभी बाहर स्कूल बस हॉर्न बजाती है। वह अपना स्कूल बैग पीठ पर टांगता है और अपने माता पिता को बाय करते हुए घर के बाहर खड़ी स्कूल बस में चढ़ता है और स्कूल बस चल पड़ती है। वह देखता है कि आगे की एक सीट खाली है। वो उस सीट पर बैठ जाता है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ राहुल कहता है, देखो इधर मत बैठो, पीछे आ जाओ। सूरज राहुल को देखता है और सोचते हुए राहुल के पास बैठने चला जाता है। राहुल कहता है, तुम्हें पहले तो नहीं देखा इस बस में? हाँ, आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। तुमने मुझे वहाँ बैठने से मना क्यों किया? आज तुम्हारा पहला दिन है ना, अभी समझ जाओगे। सूरज सोचने लगता है। तभी स्कूल बस रुकती है और स्कूल बस में राजेश चढ़ता है। राजेश उसी सीट पर बैठता है जहाँ पहले सूरज बैठा था। राजेश के बस में आते ही सभी बच्चे घबरा जाते हैं। सूरज सभी बच्चों को घबराए हुए देख रहा था। राजेश आगे की सीट पर बैठे दोनों बच्चों को डराते हुए पूछता है, क्यों रे, कैसे हो तुम? दोनों बच्चे डरते हुए कहते हैं, ठीक है राजेश भाई, आप कैसे हो? राजेश एक बच्चे के जोर से गाल खींचते हुए कहता है, बढ़िया रे। बच्चा चिल्लाता है, आ, आ। ये सब पीछे बैठे दोनों देख रहे होते हैं। तभी राहुल सूरज के कान में कहता है, इसलिए मना किया था मैंने वहाँ बैठने के लिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने बचा लिया, नहीं तो आज पहला दिन ही आखिरी दिन हो जाता। तभी राजेश दूसरे बच्चे से कहता है, चल रे थोड़ा बाजू को दबा दे। वो बच्चा राजेश के बाजू को दबाने लगता है। सूरज राहुल से कहता है, अगर वो सबको इतना तंग करता है तो टीचर से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? इस पर राहुल कहता है, शिकायत की थी पर उस शिकायत का इस पर कुछ असर नहीं हुआ, और जिसने शिकायत की थी उसे इससे तंग आकर मजबूरन स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। सूरज खुद से कहता है, लगता है कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। सूरज अपनी क्लास में पढ़कर दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल बस में सोचते हुए घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे कहती है, आ गए बेटे, चल कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ टेबल पर खाना रखती है। तभी वो वहाँ आता है और कुर्सी पर बैठकर राजेश के बारे में सोचने लगता है। माँ उसे सोचते हुए देखती है और पूछती है, तो कैसा रहा आज का दिन, दोस्त वोस्त बने या नहीं? वो कहता है, अच्छा दोस्त तो बने पर एक रह गया है। माँ उसे परेशान देखते हुए पूछती है, मतलब क्या बात है, मुझसे कहो, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना। सूरज माँ को देखता है और फिर स्कूल बस में जो हुआ वो सब बता देता है। माँ सब समझने के बाद कहती है, जैसे कि तुमने मुझे ये बात दोस्त होने के नाते बताई है, तो मैं भी दोस्त की तरह ही तुम्हें सुझाव दूंगी। वो सूरज को समझाने लगती है। वो बाहर से दो छड़ी लाती है, फिर बड़ी आसानी से पहले एक छड़ी को तोड़ती है और फिर दूसरी छड़ी को। सूरज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर माँ उन चारों छड़ियों को एक साथ तोड़ने की भरपूर कोशिश करती है, पर वो चारों छड़ियाँ एक साथ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि टूटती ही नहीं। थक हार कर वो उन छड़ियों को टेबल पर रख देती है। सूरज समझ जाता है, वो
वो खुश होकर अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, मैं समझ गया माँ। और अगले दिन सुबह सभी बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए होते हैं, तभी बस रुकती है और राजेश उस बस में चढ़ता है। वो देखता है कि उसकी सीट पर राहुल बैठा हुआ है। राजेश उससे कहता है, क्यों रे, तुझे पता नहीं इस सीट पर मैं बैठता हूँ। राहुल कहता है, पता है पर आज मैं बैठूंगा। इस पर राजेश कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। राजेश राहुल को मारने लगता है। तभी सूरज कहता है, खबरदार जो राहुल को हाथ लगाया। राजेश गुस्से में कहता है, तो तू मुझे रोकेगा। तभी बस के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं हम सब रोकेंगे, नहीं हम सब रोकेंगे, नहीं हम सब रोकेंगे, नहीं हम सब रोकेंगे। राजेश सभी बच्चों को एक साथ खड़े देखता है तो डर जाता है और कहता है, तो कोई बात नहीं, ये बैठ जाए यहाँ पर।